सर जी, वो इससे पहले कि उनके सर हमारे कद से ऊंचे हो जाए उन्हें काट देने चाहिए। पहले तुम कितने सर काट चुके हो? सर जी, मुखालफीन और सांप को फौरन मार देना चाहिए वरना वो काट लेते हैं। ठीक है, मैं सोचता हूं और किसी की ड्यूटी लगाता हूं। वो सर जी, एक पुलिस मुकाबले की मार है दोनों। देखो, रोज रोज पुलिस मुकाबले मुमकिन नहीं है। बहरहाल मैं बंदोबस्त करता हूं। ईमान साहब, आप किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगाएं जो उनको फारिग करे। सर आप बेफिक्र हो जाए, हमारे पास ऐसे बेशुमार दलेर जवान हैं जो पुलिस मुकाबलों के माहिर। और कोई काम? वो सर जी, कुछ नौकरियां, कुछ एसएचओस के ट्रांसफर और एक दो जरूरी काम। वो तुम इमानुद्दीन साहब को बता देना। इमानुद्दीन साहब, आप देख लीजिएगा। सर, आरिफ का पहले कौन सा काम नहीं हुआ? सर जी बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर जी, अल्लाह हाफिज। मैं यहाँ इंसाफ करेगा, सच की देगा कौन गवाही? सबको पड़ी है कैसी है ये तेरी खुदाई। डर क्यों जड़ जाता है, सोच के तन जलता है। जाने तो जाने बहनोई को नहीं पहचानते? क्या बकवास कर रहे हो? तभी से बात कर, चल अपनी बहन का फोन दे। तुम मेरे सामने आओ फिर मैं बताता हूं। छोड़ो, मैं कह रही हूं छोड़ो फोन, बंद करो। अपनी साइड करो। कौन? सास साहिबा। भाई आप फोन उठाने की जहमत क्यों करती हैं? इतनी खूबसूरत बेटी आकर किस काम के लिए? हाँ, खुदा के वास्ते हमें तंग मत करो, हम पहले बहुत परेशान हैं। हम कब तंग करते हैं आपको सास साहिबा? भाई तंग तो आप कर रही हैं, मैं तो आपकी बेटी को बहुत खुश रखना चाहता हूँ। चले चले, अब अपनी ही उसे फोन दे दीजिए बस। हाँ, नहीं सुधरेगी मेरी सास।
ऐसा कैसे हो सकता है? वो पुलिस की हिरासत से कैसे भाग सकता है? उसकी उम्र ही क्या है? उसने तो जिंदगी में पहली बार थाना देखा था। ठीक है हम कुछ करते हैं। कौन? सब इंस्पेक्टर था, कह रहा था कि फंसकर पुलिस की हिरासत से भाग गया है। पुलिस उसकी ताकत में। नहीं यार, नहीं, मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। उसे तो घर और स्कूल के अलावा रास्तों का इल्म ही नहीं। वो भागकर कहाँ जाएगा? ये पुलिस की चाल है, मैं जानता हूं। पुलिस मेरे भाई को 40 पुलिस मुकाबले में मारना चाहती है। नहीं, पुलिस तुम्हें डराना चाहती है ताकि तुम गिरफ्तारी दे दो। असकर उन्हीं की हिरासत में है तो फिर ठीक है, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार। नहीं, वो तुम दोनों को मार देगी। जब तक तुम गिरफ्तारी नहीं देते, पुलिस असकर को कुछ नहीं कहेगी। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो? अब्दुल्ला ठीक कह रहा है, ये सारा ड्रामा तुम्हें डराने के लिए किया। हौसला रखो, कोई ना कोई हल निकालते हैं। पहलवान से कब से तलोकात थी? मैं उसे नहीं जानती। क्या अकरम पहलवान ने शादी से इनकार कर दिया था? आपकी तो पहले से मंगनी हुई थी, क्या घर वालों ने वो मंगनी जबरदस्ती की थी? खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो। समीना बात तो सुनिए। ये क्या तुम लोगों ने उल्टे सीधे सवाल शुरू कर दिए? पीछे हटो आराम से। क्या आप हमें नहीं जानते? जानता हूँ, क्या कर लोगे तुम लोग? सुबह के अखबार में पढ़ लेना, हम लोग क्या कर सकते? मेरे पास इतना फारिग वक्त नहीं है तुम लोगों की फजूल याद पढूं। लगता है अकरम पहलवान के बाद समीना ने वकील साहब को अपनी जान में फंसा लिया है। चले तो बेटा, हर एक सदा है दिल से, दिल की धड़कन जुदा है। ओ, 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 ओ आंखें हैं सबकी सवारी, दुनिया है प्यार से खाली। जाने तो जाने जमीर साहब, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अगर मैडम ये बात ऑफिस में करने वाली नहीं है। क्या चाहते हैं? मैडम हमारे MNS को लालच दे रहा है, फ्रॉड अलर्ट कर रहे हैं, लंबे बैंक लोन, नौकरियां, एजेंसियां दे रहा है, तोड़ रहा है हमारे मेंबर्स को। फिर मैडम हमें भी उनके MPAs को इस तरह एकोमोडेट करना होगा। ठीक है, अगर इसी में अवाम और जमहूरियत की भलाई है तो करो, मुझे सिर्फ अवाम की खुशहाली से ताल्लुक है। Thank you.
हेलो। शुक्र है आपकी आवाज ने हमारे कानों को छुआ और दिल पे दस्तक दी। आप कौन बात कर रहे हैं? हम आपके वो हैं। वो कौन? इस तरह गुस्से से बात नहीं करते जाना। आपको पता है मैं आपका होने वाला मजाजी खुदा हूँ। बकवास बंद करो। मैंने इमरान को मना भी किया था कि फोन की तार मत लगाओ। क्यों लगाई इसने? अम्मी उसे तो इसलिए लगाई थी कि शायद कामी भाई का फोन आ गया। ले लीजिए नाश्ता। मगर तुम्हारी हालत क्या हुआ? मेरी हालत को खींचता हूँ, घर से बाहर जाता हूँ, आरिफ के मुंडे इतनी इज्जत अफजाई करते हैं, मेरी मोहब्बत भरी गालियां निकालते हैं, गले से लगाकर किले बाहर फाड़ देते हैं, थप्पड़ मारते हैं थप्पड़। और क्या चाहिए? क्या चाहिए मुझे? और ऊपर अल्लाह है, वो देख रहा है, सब ठीक हो जाए। ठीक होगा, मां तो ठीक ही होगा। ये जो जमीन पे खुदा बने बैठे हैं, उन्हें कुछ याद नहीं, ये नहीं मानते खुदा की, नहीं मानते। मानी मेरी भाई मत रो, मैं सब कुछ ठीक कर देंगे मानी, मत रो, हमारा घर फिर से जन्नत बन जाएगा। करो दुआ, तुम करो दुआ, मैं देखता हूँ ये दुनिया वाले हमें जहन्नम देते हैं या खुदा जन्नत देता है। करो दुआ, तुम करो। कौन लोग हैं आप?
अंदर आने की इजाजत देंगी तो बताएंगे सासू माँ। कौन हो आप लोग? ये क्या बदतमीजी है? कौन हो आप लोग? बेला, अपने घर में भी आने की इजाजत लेनी पड़ती है। अपना घर? क्या मतलब? अम्मी, कौन है बाहर? देखो तुम्हारे ससुराल वाले आए भाई, कितने सारे देवर आए तुम्हारे। कोई खातिर वातिर करो। क्या बकवास कर रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। मैं बोला कौन है ये लोग? ये ऐसे बेगैरत लोग हैं जिन्हें रिश्तों का कोई तक्कतो सी नहीं, जो जो हर लड़की को बुरी नजर से देखते हैं। शायद इन्होंने कभी माँ बहन को देखा ही नहीं है। तुम मत बको। जब तुम अपनी बहन को सामने बिठाकर अपने दोस्तों को बुलाकर कहते हो कि आओ इसके साथ बदतमीजी करो, खबरदार जो मेरी बहन का नाम जुबान पे लाएंगी। क्या बेटियों के माथों पर खुदा ने कोई लेबल लगा रखा है कि ये तुम्हारी बहन है, इसकी इज्जत करो, और ये गैर है, इसे खिलौना समझो। कुछ तो शर्म करो, कहलाते अपने आप को मर्द हो, बेसहारा औरतों से लड़ने आए हो। ना 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 ना, ना। लड़ने नहीं, हम तो मोहब्बत करने आए हैं। लड़ तो तुम नहीं हो हमारे साथ, कामराम के साथ भी तो घूमती हो, और फिर हम तो तुम्हारे होने वाले वो है। चलो आओ हमारे साथ भी चलो। हाँ छोड़ो मेरे हाथ। सुन भाई, तू सालों साल चीखती चलाती रहे, तो भी हम यहां से नहीं जा सकते। अल्लाह ही हमें को यहां से निकाल सकता है। आज तो हम सिर्फ प्यार से बात करने आए हैं, क्योंकि एक दफा हम प्यार से जरूर बात करते हैं और फिर तो ये तो है ही हमारा प्यार, हाथ मांगने आए हैं इसका। तुम सोच लो, हम दोबारा फिर आएंगे और उस बार प्यार से बात नहीं करेंगे। हाँ रही चाय वगैरह की बात, तो वो हम फिर पी लेंगे, समझे? कमन बॉयज। बेटा ये कौन लोग थे? मामा ये हमारे कॉलेज में गुंडागर्दी करते हैं, सब स्टूडेंट्स को तंग करते हैं, कोई पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं करते। कॉलेज में तो उन सबके नाम भी कट चुके हैं, किसी का कोई दाखला नहीं है। और मामा ये वही लोग हैं जिन्होंने कामरान को इतनी बुरी तरह से मारा। बेटा ये लोग मुझे बहुत खतरनाक दिखाई देते हैं, ये तुम्हें कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हम ये शहर छोड़ के इस्लामाबाद तुम्हारे नानों के पास चले जाते हैं। मामा कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे इन लोगों के खौफ से हम क्या दुनिया ही छोड़कर चले जाएं? बिल्कुल बिल्कुल फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। या अल्लाह, या अल्लाह, बेटी की हिफाजत करना। टूट रहे कोई ना सुने
मेरी माँ मेरी बहन का चाहिए मेरे सुहा रही है तेरा बुरा बाप हवाला से बंदे छोड़ा भाई जिसका कुछ पता नहीं है मैं कैसा बेटा हूँ कैसा भाई जो सब रिश्तों को बुलाकर अपनी जान बचाने के लिए इन कुड़ों में चुहा की तरह छुपा बैठा हूँ नहीं अब्दुल्ला मुझे जाना होगा मुझे जाना होगा प्लीज तेरी वालदैन और बहन भाई हमें भी उतने अजीज हैं जितने तुम्हें उनकी जिंदगियों की जमानत उस वक्त तक है जब तक तू पुलिस से दूर है अगर तुम उनके हाथ चढ़ गए ना किसी को भी नहीं छोड़ेंगे ठीक कहता है अब्दुल्ला हम तेरे दोस्त हैं पुलिस के डर से यहां छुप कर नहीं बैठे तेरे घर वालों और भाई की वजह से अब यह हिसाब की जंग है देखते हैं कि पहले हमारे दुश्मन और पुलिस थकते हैं या हम अगर मेरे घर वालों को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा हौसला रख पर जब तक तू जिंदा है ना उन्हें कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ दर्द में डूबी हर एक सदा है दिल से दिल की धड़कन जुदा है शाम तक तमाम मेंबर्स की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट पहुंच जाएगी सर आप बहुत कामयाब सियासतदान ओके सर सबको खुश रखना हर एक को नवाजना सबको साथ मिलाकर चलना दुश्मन को पहचानना मगर जाहिर किए बगैर दोस्त बनाकर रास्ते से हटा दें सिर्फ आप ही कर सकते हैं इसीलिए कोई आपके खिलाफ सर उठाने की जरूरत ही नहीं कर सकता इमानुद्दीन तुम न सिर्फ मेरी पार्टी और हुकूमत के अहम रुकन हो बल्कि मेरे खास आदमी हो इसलिए मैं हर बात तुम्हारे मशवरे से और तुम्हारी मौजूदगी में करता हूं सर मैंने आपका नमक खाया सिर्फ नमक सर और भी बहुत कुछ खाया सब कुछ तो लूट के खा गए हो तो सर नमक हलाल ना किया तो इमानुद्दीन नाम नहीं वक्त आने पर साबित करूंगा सर अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए कि तुम्हें साबित करना पड़े ओहो देर हो गई कॉलम नवीसों से मीटिंग है उनके मसले हल करने हैं चल तैयार है यस सर रूट लग चुका है तमाम स्टाफ रेडी ओके
ہیلو، ضمیر الحق بول رہا ہوں، اسلام آباد سے. جی سر، میڈم کی طرف سے پیغام ہے کہ آپ فوری احکامات جاری کریں تمام سیکرٹریز کو، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو، اور خاص طور پہ پولیس کو. ہمارے تمام پارٹی ورکرز، خاص طور پہ ایم این ایس، ایم پی ایس اور ہمارے اسٹوڈنٹ لیڈرز کے تمام کام چون چرا کیے بغیر فوری طور پہ کیے جائیں. جی سر، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں سب کو ہی اکوموڈیٹ کر سکوں. کوشش نہیں، یہ آرڈر ہے. یس سر، لیکن میں مجبور ہوں سر. ایکچولی میں ڈائریکٹ آغا صاحب کے انڈر ہوں. مگر اصل میں تو تم ہمارے ہی انڈر ہو، تم وفاق کے ملازم. میں کبھی انکار کرتا ہوں سر اس بات سے، لیکن آئی ایم سوری، میں مجبور ہوں سر. آپ مینجمنٹ کے ہیڈ ہیں، پھر بھی آپ مجبور ہیں. جی سر، بات دراصل یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ انکار کر رہے ہیں. جی نہیں سر، ایکچولی سر میں بے بس ہوں سر. میرے انڈر جو انتظامیہ ہے وہ بھی میری بات نہیں مان رہی، اور ان کو بھی آغا صاحب ہی ڈائریکٹ احکامات جاری کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر آپ نوکری چھوڑ دیں. جی سر. جی سر. اب مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے. لگتا ہے کچھ اور ہی کرنا پڑے گا، ورنہ ہم عوام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ عوام کو روزگار کیسے ملے گا؟ خوشحالی کیسے آئے گی؟ جمہوریت کیسے مستحکم ہوگی؟
नहीं मानी, तुम नहीं जाओगे पापा। छोड़ दे मुझे अम्मी। नहीं मानी, नहीं, प्लीज मत जाओ। अगर पुलिस अंदर आ गई तो कुछ नहीं होगा। चलो कमरे में। चलो। इन हालात में मैं जुराइम को कैसे कंट्रोल कर सकता हूं सर? नाम नहाद स्टूडेंट लीडर जो कि जुराइम की सरपरस्ती कर रहे हैं। हुकूमत की इन्हें मुकम्मल पुष्पनाई हासिल है सर, और हमें गिरफ्तार करने की इजाजत भी नहीं। वज़रा के सरकारी घर जो कि इनकी पनाहगाहें बनी हुई हैं सर, तमाम वारदातों के पीछे यही लोग हैं। चोरी की गाड़ियां, स्मगल शुदा गाड़ियां लिए घूम रहे हैं, असलहे की खुलेआम नुमाइश कर रहे हैं, लोगों का जीना हराम कर दिया सर। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं। तुम क्या, तमाम सरकारी मशीनरी बेबस। मेहताब बेगम और की लड़ाई की वजह से ये लोग फायदा उठा रहे हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि हॉस्टल इन इश्तहारियों के लिए महफूज पनागा है। डिग्रियां बिक रही, दो नंबर, नाजायज, हर किस्म के गैर कानूनी काम इन्हीं लोगों की सरपरस्ती में हो रहे हैं। तो क्या हम इन लोगों को इसी तरह देखते रहेंगे सर? तो और हम कर भी क्या सकते हैं? यहां तो एक क्रफ्ट इंस्पेक्टर का ट्रांसफर करना हो तो 10-10 एमपी आ खड़े होते। और तो और, किसी ईमानदार इंस्पेक्टर को ट्रांसफर करने की मुझे इजाजत नहीं। बारह, तुम फिक्र नहीं करो, मैं आला हुकाम से बात करूंगा। पहले अपनी सहेली की तरफ गई थी, उसकी पिछली दीवार पे लांग कर आई हूँ। सोनिया, मुझे पता चल गया है, तुम्हारे घर वालों ने तुमसे कता तालुक कर लिया। कॉलेज से भी तुम्हारा और मैमुना का नाम काट दिया, और आरिफ की लड़की भी तुम्हें तंग कर रही। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं सोनिया, बल्कि शर्मिंदा लफ्ज तो बहुत छोटा है। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई है, सिर्फ मेरी वजह से।
मैं ऐसा ही सोचती, होनी को होकर रहना होता है। अगर इंसान जो चाहे जो सोचे वो सब कुछ उससे मिल जाए तो इस जहन्नुम जैसी दुनिया का नाम जन्नत पर रख दिया जाए। सोनिया, ये तो तुम्हारा बड़ापन है जो तुम इस तरह सोचती हो। यह हकीकत है। तो फिर एक और हकीकत सुन लो, मैं तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, सब कुछ। घबराना नहीं। सब कुछ तो कह दिया, फिर घबराने की क्या बात है? बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम्हें हौसले से कभी नहीं रोका। कुछ दिन तो क्या, सारी उम्र बिता सकते। तुम मेरी फिक्र ना करो, अपना ख्याल रखो, क्योंकि अब मेरा ख्याल तुमने। इन अल्फाज का शुक्रिया। ये अल्फाज नहीं, अब इसकी जरूरत भी नहीं। आप जाते हैं, मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना है। हाँ भाई, तुम्हारा क्या मसला है? मुझे इन साफ साहब ने भेजा भाई की नौकरी के लिए। फिर उन्होंने रेट्स भी बता दिए। सर मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? देखो मैं तुम्हारा कोई कानूनी मुशीर नहीं, ये सोचना तुम्हारा काम। ठीक है, आप काम करा दें, मैं घर भेज दूंगा। ठीक है, 50% एडवांस जमा करवा दो। जी ठीक है जी। एक मिनट जरा, मैं एक मिनट में। मुर्शिद, ये स्टेज अदाकारा निम्मो है, आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी। जी हुकुम कीजिए। हुकुम क्या, हम तो अर्ज करने आए हैं, जान की हिफाजत चाहिए। कुछ बदमाश बहुत तंग करते हैं, आए दिन रकम का मुतालबा भी करते हैं। हम तो बामुश्किल अपने घर का खर्चा पूरा करते हैं। न जाने कितने घरों का खर्चा आपके घर पर खर्च किया। चार पांच लोग तो मैंने खुद आपकी अदाओं पर फिरते हुए। खैर अब आप ठीक आ गई हैं। अब आपको मेरे सिवा कोई भी तंग नहीं।
ऐसा कैसे हो सकता है? वो पुलिस की हिरासत से कैसे भाग सकता है? उसकी उम्र ही क्या है? उसने तो जिंदगी में पहली बार थाना देखा था। ठीक है, हम कुछ करते हैं। कौन? सब इंस्पेक्टर था, कह रहा था कि फंसकर पुलिस की हिरासत से भाग गया है। पुलिस उसकी ताकुब में। नहीं, मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। उसे तो घर और स्कूल के अलावा रास्तों का इल्म ही नहीं। वो भागकर कहाँ जाएगा? ये पुलिस की चाल है। मैं जानता हूं, पुलिस मेरे भाई को 40 पुलिस मुकाबले में मारना चाहती है। नहीं, पुलिस तुम्हें डराना चाहती है ताकि तुम गिरफ्तारी दे दो। असगर उन्हीं की हिरासत में है तो फिर ठीक है, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार। नहीं, वो तुम दोनों को मार देगी। जब तक तुम गिरफ्तारी नहीं देते, पुलिस असगर को कुछ नहीं कहेगी। सर जी, वो इससे पहले कि उनके सर हमारे कद से ऊंचे हो जाए, उन्हें काट देने चाहिए। पहले तुम कितने सर काट चुके हो? सर जी, मुखालफीन और सांप को फौरन मार देना चाहिए, वरना वो काट लेते हैं। ठीक है, मैं सोचता हूं और किसी की ड्यूटी लगाता हूं। ओ सर जी, एक पुलिस मुकाबले की मार है दोनों। देखो, रोज रोज पुलिस मुकाबले मुमकिन नहीं है। बहरहाल मैं बंदोबस्त करता हूं। ईमान साहब, आप किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगाएं जो उनको फारिग करे। सर आप बेफिक्र हो जाए, हमारे पास ऐसे बेशुमार दरेर जवान हैं जो पुलिस मुकाबलों के माहिर। और कोई काम? वो सर जी, कुछ नौकरियां, कुछ SHOs के ट्रांसफर और एक दो जरूरी काम। वो तुम इमानुद्दीन साहब को बता देना। इमानुद्दीन साहब, आप देख लीजिएगा। कौन? सास साहिबा। भाई आप फोन उठाने की जहमत क्यों करती हैं? इतनी खूबसूरत बेटी आकर किस काम के लिए? हाँ? खुदा के वास्ते हमें तंग मत करो, हम पहले बहुत परेशान हैं। हम कब तंग करते हैं आपको सास साहिबा? भाई तंग तो आप कर रही हैं, मैं तो आपकी बेटी को बहुत खुश रखना चाहता हूँ। चले चले, अब अपनी ही उसे फॉर्म दे दीजिए बस। हाँ, नहीं सुधरेगी मेरी सास। तन जलता है जाने तो जाने, तू ही तू अल्लाह है। तुम अपने बहनोई को नहीं पहचानते? क्या बकवास कर रहे हो? तभी से बात कर, चलो अपनी बहन को फोन दे। तुम मेरे सामने आओ, फिर मैं बताता हूं। छोड़ो, मैं कह रही हूं छोड़ो फोन, बंद करो।
अपनी स्ट्रेंथ दे। सर, आरिफ का पहले कौन सा काम नहीं हुआ? सर जी बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर जी, अल्लाह हाफिज। सच की देगा कौन गवाही? कौन यहाँ इंसाफ करेगा? सच की देगा कौन गवाही? अपनी अपनी सबको पड़ी है, कैसी है ये तेरी खुदाई? डर क्यों जड़ जाता है सोच